तो राजधानी जयपुर में तीन दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। बेहद महत्वपूर्ण ये तीन दिन रहे, आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आरआईसी में सम्मेलन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजय डोभाल इसमें शामिल है। तीसरे दिन विभिन्न सेशन के साथ पीएम मोदी का संबोधन भी होना है। पीएम मोदी संबोधित करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 4 बजे तक सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आईबी के अधिकारी देश में खेल प्रतियोगिताओं के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण और भी मुद्दे जिसमें खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, नक्सली हिंसा, साथ ही कई ऐसे और अहम मुद्दे हैं जिस पर मंथन जारी है। सम्मेलन में तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, अजय मिश्रा, नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि तीन दिन तक, पहले दिन 2 सेशन, दूसरे दिन 4 सेशन और आज भी 2 सेशन होंगे। और सबसे खास ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शुभेंद्र सिंह परमार, आरआईसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। शुभेंद्र, अभी आपके पास क्या अपडेट है, सबसे पहले वो दीजिएगा। देखिए, अभी जो जानकारी हमें मिली है पूनम, इस समय जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनका सेशन चल रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और आतंकवाद को रोकने में पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, खासकर ऐसे राज्यों में जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो मिलती है दूसरे देश दूसरे मुल्कों से, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर एक सेशन अभी चल रहा है अजीत डोभाल का। और ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री का स्पीच होना है इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन पर, वो स्पीच भी राष्ट्रीय सुरक्षा के इर्द गिर्द रहेगा कि जो पुलिस का काम है वो सिर्फ एफआईआर करना और सिविल क्राइम रोकना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में पुलिस किस तरीके से कारगर हो सकती है, चाहे वो खालिस्तान का टॉपिक हो, चाहे वो नक्सलाइट का टॉपिक हो या आतंकवादी घटनाओं का जिक्र हो। तो आज जो आखिरी दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक बार फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद औपचारिक तौर पर ये जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है उसका समापन हो जाएगा। आज जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं दोनों, जैसे कल जो था, आज भी सभी अधिकारियों के साथ वो लंच लेंगे। लंच में जो जानकारी हमें मिली है कि राजस्थानी व्यंजन आज परोसे जाएंगे, दाल बाटी चूरमा, केर सागरी, बेसन गट्टा, ये स्पेशल इंतजाम आज मेहमानों के लिए किया गया है, जिससे कि राजस्थान की उनको झलक मिले। और ये भी जानकारी मिल रही है पूनम कि आज जब ये कॉन्फ्रेंस का समापन होगा तो नए वेन्यू का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा कि जब अगले साल डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी तो किस जगह पर ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, इसका ऐलान भी आज किया जा सकता है। अभी अजीत डोभाल बोल रहे हैं, उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, जो अजय कुमार भल्ला है केंद्रीय गृह सचिव, उनका एक सेशन रखा गया है, और वो सेशन रखा गया है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर लेकर। वो अपने सुझाव देंगे कि आपस में जो गैंगस्टर हैं उनको पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, जो एक एक स्टेट के पड़ोसी, जैसे हमारा राजस्थान है, हमारी पड़ोसी पुलिस पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, आपस में किस तरीके से समन्वय कर सकते हैं, इसको लेकर अजय भल्ला का भी एक सत्र होगा। तो आज का जो आखिरी दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत संभव है कि जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा उसकी आज जो जानकारी है वो मीडिया से भी साझा की जाएगी कि प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किन मसलों पर फोकस किया। क्योंकि कल का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से गोपनीय रहा, कल पीआईबी की तरफ से भी कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। हालांकि जो जानकारी हमें मिली कि कल प्रधानमंत्री ने नवाचार पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि परंपरागत पुलिसिंग के साथ जो पुलिस के लोग हैं उनको नवाचार करने चाहिए, और हमारी सरकार ने जिस तरीके से सालों से हम जिन कानूनों को ढो रहे थे, ब्रिटिश राज के कानूनों को जो अप्रासंगिक हो गए थे, व्यवहारिक नहीं थे, उन कानूनों को हमने ख़त्म किया है। तो आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये माना जा रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होगा उसके बाद एक कॉमन पॉलिसी कई विषयों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी हो सकती है। ठीक है, और लेकिन इस बीच में हर कोई ये जानना चाहेगा, क्योंकि इस बार कई और कितने खास नवाचार किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहा शुभेंद्र की राजधानी जयपुर को चुना गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा, चाहे वो हम सियासत के मद्देनजर देखें, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण थे, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन सबसे पहले जो फैसला, जो बदलाव हमें देखने को मिलेगा, वो कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, वो आपसे समझना चाहेंगे, कौन सी ऐसी चीज होगी जिस पर चर्चाएं मंथन हुआ और उसमें ही सबसे पहले बदलाव देखने को मिलेगा।
देखिए अभी जो दो दिन की अगर समरी की बात करें, पूनम, पहला दिन और दूसरा दिन, इन दो दिनों से तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार की ये सोच है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये सोच है कि पुलिस बहुत आगे की प्लानिंग लेकर चले। 2047 में जो विकसित भारत का विजन है उसमें पुलिस की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में अपने विचार रखे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत अग्रिम प्लानिंग लेकर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री चल रहे हैं कि पुलिस को अभी की चुनौतियों के अलावा जो आने वाले 10-20 साल की चुनौतियां हैं उन पर फोकस करना होगा। AI जो एक इस समय बहुत ज्वलंत कह सकते हैं मुद्दा है भारत में, और उसकी चपेट में कई सेलिब्रिटीज आए हैं। हमने देखा है कि जब AI का कोई वीडियो आता है तो पहली नज़र में पूनम कोई नहीं बता सकता कि ये फेक वीडियो है। तो AI के दोनों आस्पेक्ट पर गृहमंत्री ने बात की कॉन्फ्रेंस के पहले दिन, कि इसका पॉजिटिव पहलू क्या है पुलिस के लिए और इस पर कंट्रोल कैसे करना है। आने वाले दिनों में AI कोई बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं बन जाएगी जिस तरीके से इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो नवाचारों को लेकर फोकस रहा है और नवाचार भी इस तरीके के जिससे व्यवहारिक टाइप प्रैक्टिकल हों, लोगों को बहुत जल्दी त्वरित फायदा मिले पुलिस का। और ये भी गृहमंत्री ने अपने संबोधन में कहा पहले दिन कि पुलिस का जो काम है वो लोगों को सजा दिलाना नहीं, न्याय दिलाना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पुलिसिंग के जो पुलिसिंग का पूरा ढर्रा है उसमें भारत सरकार बदलाव चाहती है। और यही कारण है कि बहुत गंभीरता से इस कॉन्फ्रेंस को, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये जिम्मेदारी उनको मिली है। क्योंकि पहले लगातार हम बता चुके हैं पूनम के 2014 से पहले जब DGP कॉन्फ्रेंस होती थी तो एक तो दिल्ली में ही होती थी, परमानेंट था कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होगी, और जो प्राइम मिनिस्टर की इसमें प्रेजेंस होती थी वो सिम्बॉलिक होती थी। लेकिन 2014 के बाद इसको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया गया, ये गुजरात में भी हुई, ये लखनऊ में भी हुई, ये और भी जगह हुई। और जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में ये जो DGP कॉन्फ्रेंस है वो अगली बार हो सकती है, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो जो प्रधानमंत्री की सोच है कि अगर गुड गवर्नेंस देनी है, जो विकसित भारत का, न्यू इंडिया का उनका विजन है, वो तभी पूरा हो सकेगा जब पुलिसिंग बहुत अच्छे से हो, नवाचार पुलिसिंग में हो। जो पुराना ढर्रा चल रहा है कि सिर्फ FIR कर लो, जांच कर लो, जांच अधिकारी बन गया, IO बन गया, उसके अलावा पुलिस किस तरीके से लोगों के काम आ सकती है, राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा में पुलिस का क्या योगदान हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा में पुलिस कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, ये इस कॉन्फ्रेंस का एक तरीके से कह सकते हैं कि मूल एजेंडा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आज कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद इसके संबंध में कोई कॉमन पॉलिसी सभी प्रदेश की पुलिसों के लिए जारी हो सकती है। 4 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहने वाले हैं। हलचल तो खैर उसी वक्त पहले से ही शुरू हो जाएगी जब जानकारी हमें मिलेगी कि यहां से वो वापस दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। क्या डायरेक्ट यहीं से जाएंगे, ये कोई जानकारी मिल पाई? और दूसरी तरफ संबोधन जो रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितना खास, कितना महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए भी, अगर उसके मद्देनजर भी देखें, कितना महत्वपूर्ण रह सकता है? देखिए PM के कार्यक्रम को लेकर ये खबर है पूनम कि दोनों तरह के विकल्प हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस है, प्रोटोकॉल है, उन्होंने दोनों तैयारी की है। एक तैयारी तो ये भी है कि प्रधानमंत्री यहाँ से राजभवन जा सकते हैं और वहाँ आधे घंटे के बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम ये भी है कि प्रधानमंत्री सीधे RIC से एयरपोर्ट चले जाएँ और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएँ। ये प्रधानमंत्री के दोनों जो कार्यक्रम के विकल्प हैं वो तैयार हैं। प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है पूनम, क्योंकि ये संबोधन सभी प्रदेश की पुलिस के DGP के लिए होगा, सभी जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे वो CRPF हो, BSF हो, CISF हो, तमाम जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके प्रमुखों के लिए होगा। और आने वाले दिनों में क्या प्रधानमंत्री की सोच है, प्रधानमंत्री की उम्मीद क्या है, अपेक्षा क्या है, क्या चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, कि किस तरीके से जो प्रदेश की अलग अलग पुलिस हैं उनको काम करना है। क्योंकि देखिए अगर अपन ये मान के चलें कि राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस का काम क्या है कि राजस्थान में क्राइम कंट्रोल कर लो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, तो ये हो गई परंपरागत पुलिसिंग, ठीक है। लेकिन अगर राजस्थान पुलिस इसमें नवाचार करे, राष्ट्रीय सुरक्षा में राजस्थान पुलिस क्या योगदान दे सकती है, क्योंकि हमारे प्रदेश की तो बहुत सारी जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, 4 से 5 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो आंतरिक सुरक्षा में, राष्ट्रीय सुरक्षा में राजस्थान पुलिस क्या योगदान दे सकती है? जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हम भी कई बार उनसे मदद चाहते हैं जब हमारे यहाँ गैंगस्टर क्राइम की घटनाएं करके दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, वो प्रदेश भी हमसे मदद चाहते हैं जब वहाँ के क्रिमिनल्स हमारे राजस्थान में आते हैं। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किस तरीके से अच्छा हो, नवाचार कैसे हों, और नवाचार ऐसे हों जो व्यवहारिक हों, क्योंकि पुलिस में कई चीज़ें ऐसी हैं पूनम जो अभी भी व्यवहारिक नहीं लगती।
ठीक है, बहुत कह दिया जाता है कि अब माहौल बदल रहा है, स्वागत कक्ष बन गए, लेकिन जो अमित शाह का मैसेज था और जो प्रधानमंत्री का मैसेज है वो फ्रेंडली पुलिसिंग को लेकर भी है। तो पुलिस और जो पब्लिक है उनमें एक फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडली पुलिसिंग हो, और जब फ्रेंडली पुलिसिंग होगी तभी आम आदमी बहुत आसानी से थाने तक जा सकेगा, अपनी परेशानी बता सकेगा, और जो आम लोग हैं वो पुलिस को तभी याद नहीं करें जब उनको पुलिस की जरूरत हो। बिल्कुल, वो अपने सुझाव भी पुलिस को दें, अपनी सूचनाएं भी पुलिस को दें, क्योंकि आज अगर मान लीजिए किसी आम आदमी के पास कोई इनपुट आता है अपराध की घटना से जुड़ा हुआ, तो वो पुलिस को बताने से डरता है, उसको लगता है अगर मैं पुलिस को बता दूं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ही कानूनी पचड़ों में फंस जाऊं, मुझसे ही पुलिस पूछने लग जाए कि आपको कैसे पता चला, आपको कैसे जानकारी मिले। तो लोगों का कनेक्ट पुलिस से कैसे हो, ये मंशा है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की, और आज का जो संबोधन है इसमें इसकी झलक मिल सकती है कि क्या मंत्र देने वाले हैं प्रधानमंत्री सभी प्रदेश के डीजीपी। बिल्कुल, इंतजार रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुभेंद्र, आप बने रहिएगा, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।